बर्थडे बहुत इंपॉर्टेंट होता है. मैंने हर साल अपना बर्थडे खुद ही प्लान किया है. मैं सारी पार्टीज़ खुद ही थ्रो करती हूँ एंड आई लाइक लुकिंग इनटू एवरी डिटेल कि केक भी मैं ऑर्डर करूँगी, जो डेकोर का डिटेलिंग है, म्यूज़िक लिस्ट क्या है, एवरीथिंग, द ड्रिंक्स, द फूड, आई डू एवरीथिंग. आई जस्ट फील लाइक आई एम अ वेरी हैप्पी चाइल्ड सुबह से ही. तो आज मैं सनराइज देखा, फिर सनसेट यहाँ देखा, अब मैं कल का सनराइज़ भी देख के जाऊँगी. सो आई एम गोना बी अवेक ऑल द होल डे एंड नाइट बिकॉज I feel really, really happy to be celebrating my birthday with such close friends and family, and I love it. Thank you guys, y'all are here, so that's great. Okay, Nushat, wishing you a very many, many happy returns. Thank you. तो सबसे पहले तो जानना चाहेंगे हर साल की तरह किस तरीके से दिन की शुरुआत करना पसंद करती हैं आप, खास तौर पे बर्थडे वाले दिन. आज तो मैंने बहुत ही साइलेंटली अपने घर में बैठी थी, मैंने सनराइज देखा, आई प्लेड विद माई कैट एंड आई वेंट टू बेड एट 6:30. आई वोक अप, आई वेंट टू द जिम, देन आई कट अ केक विद माई फैमिली इन द हाउस, आई चिल्ड विद माई पेरेंट्स, चाय वाय पी दादी के साथ, और फिर यहाँ पार्टी करने आ गई. तो आई थिंक दैट्स जस्ट माई, दैट्स हाउ आई डू माई बर्थडे एवरी ईयर. आई स्पेंड इट विद सर्टन स्पेशल पीपल ऑफ माई लाइफ एंड मेरा एक फंडा है, कोई अपने लिए करे ना करे, खुद के लिए कर लूँ तो खुद के लिए अपनी पार्टी थ्रो कर लेती हूँ. मतलब आप हो नहीं हो, मैं सुबह तक पार्टी करूँगी इधर. फर्स्ट पर्सन टू विश मी, ओ माई गॉड, आई थिंक इट वॉज हंसल सर, बिकॉज वी वो वॉचिंग दे दे प्यार दे यस्टरडे इन द स्क्रीनिंग एंड ही वाज सिटिंग नेक्स्ट टू मी, और वो फिल्म देखते देखते 12 बज गए, तो क्योंकि मेरे बाजू में बैठे थे उन्होंने सबसे पहले हैप्पी बर्थडे बोला, तो आई गेस हंसल सर. यार हर विश मेरे लिए यूनिक होती है बिकॉज देयर इज सम लव एंड देयर इज सम केयर दैट कम्स इन एवरी विश, बिकॉज विशिंग समथिंग गुड फॉर समवन एक्चुअली मीन्स अ लॉट, मतलब और दुआएं लगती है. तो मेरे लिए हर दुआ हर विश यूनिक है यार, लाइक रियली. लोग आपको प्यार करते हैं, तो कुछ मेमोरी है पिछले बर्थडेज की, कुछ यादें जुड़ी हैं? हाँ यार, पिछले बर्थडे भी हमने बहुत पार्टी की थी, बहुत लोग आए थे, अर्थ पे थी लास्ट ईयर, और आई तो फील ये जो कट ऑफ पॉइंट होता है पार्टी का, ये तो मेरे लिए डेथ है. तो इसलिए मैंने आज सुबह शाम 6:30 बजे से पार्टी स्टार्ट कर ली कि बाय द टाइम इट्स अ डेडलाइन कि अच्छा पार्टी नहीं कर सकते. मैंने पार्टी कर ली होगी, लाइक आई वुड हैव हैड माई फिल, बट माई मेमोरी इज ऑलवेज डांसिंग टू क्रेजी बॉलीवुड सॉन्ग्स एंड हैविंग माई ओन प्ले लिस्ट जहाँ मेरे गाने बजते हैं जो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, और डी जे और कुछ नहीं बजा सकता, लाइक ही इज नॉट अलाउड. तो ये मेरी सबसे ज़्यादा मेमोरी है कि मुझे मेरे गाने मिलते हैं नाचने के लिए. फेवरेट सॉन्ग कौन सा है जिस पर डांस करना पसंद है? यार नींद चुराई तेरी किस्ते हो सनम, तुम मेरे हो, आई थिंक 80s and 90s वर लाइक माई एब्सोल्यूट लव अफेयर. सो 90s के सारे गाने अभी बजेंगे थोड़ी देर में यहाँ. 100% ये ईयर बहुत ही खास होने वाला है आपके फैंस के लिए, बिकॉज राजकुमार के साथ मूवी कर रहे हैं, दुर्गम खान बहुत ही वेट कर रहे हैं, 9 years की बात कर रहे हैं जी. सो कितने एक्साइटेड है? और उसके अलावा 8 years एक्चुअली. हाँ जी, 8 years. राज, आई फील लाइक वेन यू डू योर फर्स्ट थिंग विद समवन, नो इट्स ऑलवेज गोना बी मेमोरेबल. एंड राज के साथ पहली पिक्चर की थी, हम दोनों बहुत नए थे एंड इट वॉज सच अ ग्रेट एक्सपीरियंस. एंड आई थिंक तब से अब तक व्हेनेवर आई हैव मेट हिम इट्स ऑलवेज बिन लाइक कि हम कब, व्हेन विल वी हैव दैट एक्सपीरियंस अगेन. हमें लगा था एलएसजी 2 बनेगी या कुछ तो हम साथ में करेंगे, बट इट नेवर हैपेंड एंड नाउ इट्स हैपेंड. जहाँ मैं कहीं हूँ वो कहीं है, एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट सॉर्ट ऑफ मिक्स ऑफ पीपल एंड फिल्म्स. So I'm supremely excited for both. Lastly, Nushat, you know, pipeline में एक और फिल्म है Dreamgirl, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? Dreamgirl again, very very quirky comedy, full on entertainment. It's with Ayushman, who's again really really good. So I think I've just lucked out this year, यार, कि एक पिक्चर हिट हो गई, बाकी दो पिक्चरें भी उनके साथ है जिनका really बहुत ज़्यादा you know forte है in which in the field and the films that they're doing. So I'm just happy. Double celebration, I guess. मैं उनको अभी जोर से जप्पी पा के विश करना चाहूँगा एकदम पंजाबी स्टाइल में, एंड ऑफ कोर्स उनका बर्थडे है एंड यहाँ पे आए हैं आज उनका बर्थडे मनाने, सेलिब्रेट करने, तो एक अच्छी शाम दोस्तों के साथ मज़ा आएगा, बातें करेंगे, डांस करेंगे, थोड़ा चिल करेंगे. सो नुसरत को मैं एक्चुअली काफ़ी टाइम से जानता हूँ, नुसरत को मैं काफ़ी टाइम हो गया मैं उनको जानता हूँ, और यूजुअली हम हमेशा फेस्टिवल्स के दौरान ज़्यादातर मिलते हैं, लव सर, कार्तिक, सनी, मैं, हम सारे यूजुअली दिवाली के टाइम पे कुछ दिन होते हैं जब हम हमेशा ज़्यादा मिलते हैं. तो काफ़ी पुरानी एसोसिएशन है एंड शी इज़ डूइंग सो वेल, हर वर्क्स बीन अप्रिशिएटेड सो मच एंड शी इज़ बीन लव्ड बाय द ऑडियंस. सो विशिंग ऑल द वेरी बेस्ट. और अभी उन्होंने फिल्म भी एक हाल ही में ख़त्म करी है, तुर्रम खान, तो
really looking forward to all her films and really looking forward to the most beautiful person she is. Sir, excitement fans ke beech ye bhi hai, aap Rajkumar ke saath aane wale hain nazar, aur kitne excited aap hain? Main bahut zyada excited hu yaar, bahut hi zyada excited hu. Rooh Afza ek bahut hi quirky script hai, horror comedy genre hai. Main khud is genre mein pehli bari attempt kar raha hu. और हंसाया मैंने है तो इस बार डरते डरते लोगों को या डराते डराते लोगों को हंसाने में कुछ ज़्यादा मजा आएगा. आई एम रियली एक्साइटेड टू कोलैबोरेट विद राज आल्सो अगेन. हमारी इससे पहले जो एसोसिएशन थी वो डॉली की डोली पे थी एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड. अभी हम थोड़े ही टाइम में शूट पे जाने वाले, ऑन फ्लोर जाने वाले हैं. सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग राज एंड जानवी ऑन सेट एंड हैव अ मैड मैड फन ऑन दिस वन. किस तरह देखते हैं आप? मेरे को बहुत ही टैलेंटेड लगता है जानवी. आई थिंक शी इज़ वेरी टैलेंटेड एंड आई हैव लव्ड हर वर्क इन धड़क एंड एज अ पर्सन ऑल्सो आई थिंक शी इज़ वेरी स्वीट. सो विल बी अ लॉट ऑफ फन वर्किंग विद हर ऑन रूह अफ़ज़ा. हैप्पी फॉर नुसरत एंड आई विश हर ऑल द बेस्ट. उनके लिए बहुत अच्छी अच्छी दुआएँ हैं एंड मे शी डू वंडरफुल सिनेमा. फिलहाल तो यही मेमोरी कि मुझे इमोशनली ब्लैकमेल कर रही थी कि आना है आना है आना है, केक नहीं काटना केक नहीं काटा अभी तक. तो मैं इमोशनली ब्लैकमेल होकर इधर आई हूँ. सो वेल आई लुक फॉरवर्ड टू मेकिंग मेमोरीज विद हर. ओके, आल्सो आयुष्मान की फिल्म आ रही है उनके साथ में, यू नो ड्रीम गर्ल. तो इस चीज़ को कैसे देखती हैं? आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी ही इज़ चूजिंग गुड स्क्रिप्ट्स एंड देयर लवली एक्टर्स दैट ही इज़ वर्किंग विद. बहुत अच्छी एनर्जी है आयुष ने भी बताई. सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर द बोथ ऑफ देम. Hi! I just came for you. I have not cut my cake. You have I cut my cake, guys? I was just saying that she emotionally blackmailed me into it, and yeah. I said so your husband can shoot. It's fine. You have to come. Oh, I just came for you. I went back home. I was at home, and then I saw a message, and then I came. Finish. चलो हो गया. I'm right here. You cut cake. हमारा हो गया. अब लो मैं इधर ही. अच्छा ठीक है. हो गया. Okay. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. होपफुली वी इन द प्री प्रोडक्शन फेज. अभी जब फ्लोर्स पे जाएगी तो मैं जरूर बताऊंगी, बट आई एम रियली रियली किक्ड अबाउट इट. आपको काफी मिस भी किया हमने और काफी इंस्पिरेशन देते हैं आप. तो कुछ कहना भी चाहेंगी? लाइफ तो सबके लिए स्ट्रगल है, बट द आइडिया इज टू रिमेन हैप्पी. तो मैंने ये एक अपने ज़िंदगी का एक एम बना लिया कि खुश रहना है और जहाँ तक हो सके खुशी देनी है. सो वेरी वेरी सो अनुभव सिन्हा सिन्हा सर इज़ अमेजिंग एंड ही इज़ डन सम अमेजिंग सिनेमा एंड आर्टिकल 15 के साथ तो वो हार देंगे. वेरी ग्रिम एंड वेरी वेरी नाइस. पहले उन्होंने कभी ऐसे किया नहीं, हमने कभी भी आयुष्मान को ऐसे सीरियस रोल करते हुए देखा नहीं है. मुझे तो बहुत हॉट लग रहे हैं.